किसी भी ऐप में एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जब आप जाते हैं, जैसे कि आप पे बटन पे क्लिक करने पर पेटीएम या फिर अमेजन पे कुछ ऐसा एप्लीकेशन खुल रहा होता है, या फिर अपने ही ऐप में जैसे कि मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, बहुत सारे आपको नेम दिख रहे हैं और रिसेंट चैट दिखता है, ठीक है, ऐसे सर्कल में प्रोफाइल्स दिखती है, किसी एक पे क्लिक करते हैं एक नई स्क्रीन दिखती है जहां पर आप चैट कर सकते हैं उनके साथ, राइट। सो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए क्या कोड लिखना होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, आज के लेक्चर में हम वही पूरा डिटेल में समझ रहे होंगे। सो इंटेंट्स जो है वो यूज करते हैं हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाने के लिए। जैसे आप अपने ऐप में लेट्स से व्हाट्सएप है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल और चैट सेक्शन दिख रहा है, और इसके बाद आप किसी भी लेट्स से इनकी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक आपको नया स्क्रीन दिखता है जहाँ पे इनका प्रोफाइल ऐसे आ जाता है और आप लोग फिर चैट कर पाते हैं, दूसरे को मैसेज सेंड कर पाते हैं, राइट। सो यहाँ पर एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाने के लिए इंटेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा होता है। अब जो इंटेंट्स है वो दो टाइप्स के होते हैं, मेनली दो टाइप्स के इंटेंट हैं। क्या क्या टाइप है? पहला टाइप है इसका इम्प्लिसिट इंटेंट और दूसरा टाइप है इसका एक्सप्लिसिट इंटेंट। अब देखते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ये क्या होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सो इंटेंट्स आपने समझ लिया, बेसिकली एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाने के लिए हम लोग इंटेंट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है? अगर आपको अपने ही एप्लीकेशन में एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाना है तो वहां पर आप एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि आप ये फर्स्ट स्क्रीन है आपकी एप्लीकेशन की, आपने दूसरी स्क्रीन पर जाना है तो आप यहाँ पर एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज करेंगे। विद इन द एप्लीकेशन आप स्क्रीन चेंजेस अगर कर पा रहे होते हैं तो वो पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट इंटेंट के हेल्प से। अब इसके और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, कई सारे एग्जांपल आप लोग नीचे सोच के कमेंट में मुझे ही बताइए। जैसे कि कुछ हम और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। मान लीजिए आप YouTube अगर आप देखते हैं तो आपको कई सारे यहाँ पे वीडियोस इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, नीचे इसका टाइटल लिखा होता है कुछ कुछ, लर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट लर्न डी ऐसे ऐसे कुछ टाइटल्स वगैरह लिखे होते हैं, राइट। सो ये एक आपको ये स्क्रीन वन है, YouTube की स्क्रीन वन है, किसी भी ऐप की इस तरीके से एक स्क्रीन वन होती है। मानिए कि आप ये दूसरा स्क्रीन है, अगर आपने लेट से जैसे अभी आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको एक थंबनेल सा कुछ दिखा होगा, तो आपने उस पे अगर होम पेज पे कोई वीडियो आपको दिखा, आपने उस पे क्लिक किया तो एक नई स्क्रीन खुलती है जहां पर वो वीडियो बड़ा सा फिर प्ले हो रहा होता है, टाइटल होता है, नीचे उसके कमेंट्स वगैरह पूरे क्या है वो सब दिख रहे होते हैं आपको, लाइक बटन डिसलाइक बटन काफी सारी चीजें होती है, राइट। तो यहाँ पर ये स्क्रीन वन था और ये स्क्रीन टू था, जो आपने यहाँ पर क्लिक किया इस पिक्चर पे इस थंबनेल पर इस इमेज पर तो इमेज व्यू को क्लिक करने पर आपका एक नई स्क्रीन खुली। ये जो इसके पीछे बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है यूजर के लिए तो ठीक है, उसने इमेज पे क्लिक किया और उसको बड़ा सा फिर वीडियो दिखने लगा, वीडियो चलने लगा, इसके बैकग्राउंड में इंटेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। किसी चीज को क्लिक करके आप दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हैं वहां पे एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज हुआ, क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ पर भी यूट्यूब है, यहाँ पर भी यूट्यूब है, ऐप आपने चेंज नहीं किया, आप यूट्यूब से स्पॉटिफाई पे नहीं गए, उसी एप्लीकेशन के अंदर बस स्क्रीन चेंज हुई है, तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट इंटेंट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। जल्दी से समझते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है। सो कई बार आप देखते होंगे अगर आपको किसी ऐप में लेट्स से म्यूजिक प्ले करना है, ठीक है, तो जो आपको म्यूजिक प्ले करना होता है आपको कई बार पूछते हैं कि आपको ये जो म्यूजिक प्ले करना है स्पॉटिफाई से या गाना ऐप से या प्ले म्यूजिक इनबिल्ट कुछ एप्लीकेशन है फोन का उससे, तो यहाँ पर जो है इम्प्लिसिट इंटेंट यूज हो रहा है, मतलब कि आपने कोई बटन अपने एप्लीकेशन में क्लिक किया पर आपको वहां से दूसरे एप्लीकेशन में दूसरे जगह पर ले जाया जाता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पर एक अच्छा ये है कि जोमैटो पे मान लीजिए आप कुछ ऑर्डर फूड कर रहे हैं, फूड ऑर्डर कर रहे हैं, जो आप लास्ट में ऑर्डर करते हैं जब एक पे का बटन होता है, पे वाला बटन होता है, तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से पे करना चाहते हैं। अगर आप पेटीएम सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद पेटीएम यहाँ पर दूसरा ऐप खुलता है, पहले आप थे जोमैटो ऐप में
और अब आपके पास एक दूसरी स्क्रीन है जो कि उस ऐप में नहीं है, आप पेटीएम एप्लीकेशन खुल जाता है। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट इंटेंट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, जैसे यहाँ पर स्क्रीन वन स्क्रीन टू ये दोनों जो है एक ही एप्लीकेशन में थी, और यहाँ पर स्क्रीन वन जो है वो ये स्क्रीन है, स्क्रीन वन, और ये है आपकी स्क्रीन टू, और यहाँ पर एप्लीकेशन स्क्रीन वन का जोमेटो था, स्क्रीन टू का पेटीएम है, दोनों का एप्लीकेशन चेंज हुआ। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट इंटेंट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। सो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया क्या होते हैं इंटेंट्स। अब हम जल्दी से एक कोड लिखते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं इसको और डिटेल में समझने के लिए। आईपैड को हम लोग साइड रख देते हैं और अब एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं और प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये लास्ट वाले लेक्चर का प्रोजेक्ट है, एक नया बना लेते हैं। ये फाइल कहाँ है? ओके, कर्सर माउस का, लैपटॉप को थोड़ा सा, ठीक है, फाइल में जाते हैं और एक न्यू हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को नाम देंगे हम इंटेंसेस वाले में, एक बार इम्प्लिसिट इंटेंट का कोई एक समझेंगे, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट दोनों में से किसी एक का कोड समझेंगे। अभी जो हमने यहाँ पे समझा अपने आईपैड में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक्सप्लिसिट इंटेंट किस जगह पे यूज होता है, अगर अपने ही एप्लीकेशन में, विद इन द एप्लीकेशन अगर आपको स्विच करना है वो एक्सप्लिसिट इंटेंट है, ठीक है। और अगर किसी और स्क्रीन चेंज हो रही है और एप्लीकेशन भी चेंज हो रहा है तो वो इम्प्लिसिट है। इस वाले में हम एक्सप्लिसिट का कोड लिख लेते हैं, ठीक है, एक्सप्लिसिट इंटेंट, एक्सप्लिसिट इंटेंट। कॉटलिन ही रखते हैं लैंग्वेज, ठीक है। जावा में चाहिए आपको बताइए कमेंट सेक्शन में, जावा में चाहिए, अगर जावा भी लिख लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट हमारे प्रोजेक्ट का नाम है और ये प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। हम क्या करेंगे, एक हम एक्टिविटी पे रहेंगे, एक स्क्रीन पे रहेंगे और अपनी ही एप्लीकेशन पे एक बटन पे क्लिक करेंगे और दूसरी एक्टिविटी पे जाएंगे, सिंपल सा एप्लीकेशन, ठीक है, ओके परफेक्ट। अब हम जल्दी से एक्टिविटी मेन में आते हैं। यहाँ पर एक बस बटन चाहिए हमें, राइट, एक बटन को क्लिक करेंगे और उस बटन की हेल्प से हम जाएंगे दूसरे एक्टिविटी पे, ठीक है। उसका कोड क्या होता है वो आपको समझना जरूरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो इंटेंट्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। लीनियर लेआउट के अंदर हम एक बटन डाल देते हैं और यहाँ पे ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देते हैं, ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देते हैं, और जल्दी से जो है हमारा बटन, उसको कुछ इश्यूज हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है इसे, लेआउट वेट हटाएंगे हम यहाँ से और इसको सेंटर में लाते हैं, लेआउट ग्रेविटी इसका सेंटर करते हैं, साथ ही साथ जो है इसको और क्या कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह दे सकते हैं, टॉप से मार्जिन दे देते हैं 100 dB ताकि थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है। और बटन की जगह यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक मी, लिख देते हैं, ठीक है, क्लिक मी। बेसिकली यहाँ पे कोई भी बटन हो सकता है, जैसे आप YouTube पे इमेज को क्लिक करके एक नई स्क्रीन पे आ रहे हैं, कुछ भी क्लिक करके आपको नई स्क्रीन पे जाना हो, कोड यही रहेगा। यहाँ पे हम इस बटन को क्लिक करके समझेंगे किस तरीके से नई स्क्रीन पे जा सकते हैं, परफेक्ट। और बटन को ID बटन ही रहने देते हैं। अब आते हैं हमारे पास मेन एक्टिविटी डॉट KT में। अब यहाँ पर जल्दी से हम अपना एक BTN इंटेंट एक बटन बना लेते हैं, कुछ भी नाम दे लो आप, ठीक है, BTN इंटेंट। और ऐसे हमें क्या करना है, बेसिकली इसको फाइंड व्यू बाय ID कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय ID इसका टाइप है बटन, और R.ID. इसका नाम भी बटन ही था, हमने चेंज नहीं किया था, ठीक है। ये एरर खुद से हट जाएगा, कुछ देर बाद ही समझ जाएगा कि बटन नाम का यहाँ पर एक कोई रहता है डिजाइनर सेक्शन में, परफेक्ट। और इसके बाद हमें ये करना है, इस बटन को क्लिक करके कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो BTN इंटेंट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, इस मेथड के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो चीज हो रही होगी जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे। इस बटन का नाम हमने दिया है, वेरिएबल का नेम है BTN इंटेंट, परफेक्ट। BTN इंटेंट है हमारे पास, इसको हमने निकाल लिया फाइंड व्यू बाय ID, इस व्यू को हमने
डिजाइन वाले सेक्शन से निकाल लिया, इसका जो आईडी था इसके नाम से इसको बुला लिया और ये हमारे पास कोड में अब अवेलेबल है। और इसको हमने कहा कि आपको क्लिक करने पर क्या चीज होगा, हम यहाँ पर आपको बताएंगे। हमें ये करना है कि वी हैव टू ओपन अप अ न्यू एक्टिविटी, ओपन न्यू एक्टिविटी हमारे लिए एक्टिविटी है, यूजर की एक नई स्क्रीन ओपन हो रही होगी। तो जल्दी से हम क्या करना है, अभी हमें एक सेकेंड स्क्रीन बना लेते हैं, सेकेंड एक्टिविटी बना लेते हैं न्यू। और यहाँ पे आप देखो नीचे स्क्रॉल करो, ये बहुत सारे ऑप्शंस है, एक्टिविटी हमें चाहिए और एक एम्प्टी एक्टिविटी दे दो बस हमें, और कुछ नहीं चाहिए, एम्प्टी एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी टू, या फिर हम इसे नाम दे देते हैं सेकेंड एक्टिविटी, ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी। और इसका एक लेआउट फाइल भी चाहिए हमें, थोड़ा यूजर को कुछ दिखना तो चाहिए, है ना, लेआउट फाइल। और इसको हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारी सेकेंड एक्टिविटी भी लोड हो गई है, उसके साथ साथ एक डिजाइन सेक्शन भी एक्टिविटी सेकेंड डॉट एक्सएमएल लोड हो गया है। और इस सोर्स कोड यहाँ पे जो कोड है वो ये बता रहा है कि सेकेंड एक्टिविटी डॉट केटी ये इस डिजाइन फाइल से, इस डॉट एक्सएमएल से लिंक्ड है। बढ़िया, ठीक है, ठीक है। इसके सेक्शन में आके हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्प्लिट में आ जाते हैं और एक सिंपल सा एक डाल देते हैं, टेक्स्ट व्यू भी डाल देते हैं, कुछ दिखना तो चाहिए यूजर को, है ना। स्प्लिट में आ जाते हैं और यहाँ पर हम जल्दी से इसका जो लेआउट है उसको लीनियर कर देते हैं, लीनियर लेआउट कर देते हैं और ओरिएंटेशन एज इट इज रहने देते हैं, सेंटर में थोड़ा कर ले, बढ़िया दिखेगा थोड़ा, है ना, यूजर को भी चीजें समझ में आएंगी। सो यहाँ पे लिख देते हैं आई एम स्क्रीन टू अभी के लिए, ठीक है, बिकॉज हमें अभी डिजाइन वगैरह ज्यादा हम और लेक्चर्स में समझते रहेंगे। बेसिकली अभी हमें ये समझना है कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कैसे जाते हैं, उसका क्या कोड होता है। सो आई एम स्क्रीन टू और आपको ला देते हैं सेंटर में ग्रेविटी, एंड बताइए क्या होगा ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी सेंटर, तो ये आ गए सेंटर में। और एक और हम ग्रेविटी दे देते हैं सेंटर, ताकि ये भी ओके, ये वाली ग्रेविटी सेंटर देने का मतलब है अपने जो व्यू है उसमें ये सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। हम इसे और किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, ओरिएंटेशन इसका हम वर्टिकल कर देते हैं, ओके वर्टिकल करने पे ये इस वाले वर्टिकली सेंटर जो होता है उसको पिक किया, और हॉरिजेंटल रहने पे हॉरिजेंटली सेंटर क्या होता है वहां पे जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप 100 dpi देते हैं, ठीक है, अब ठीक है आप। और स्टाइल थोड़ा सा स्टाइल बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड हो गया। और साइज भी आपको थोड़ा सा दे देते हैं ताकि आप थोड़े बड़े दिखें। आई एम स्क्रीन टू, परफेक्ट। और अब हम ये करते हैं कि जल्दी से हम आते हैं अपने मेन एक्टिविटी डॉट केटी में, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है यहाँ पे कोड लिखना, हम किस तरीके से स्क्रीन वन से स्क्रीन टू में जा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको एक इंटेंट बनाना है, इंटेंट इज इक्वल टू, इंटेंट एक मेथड होता है, इनबिल्ट मेथड होता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, प्रेस किया आपने एंटर, ठीक है, ओके और यहाँ पर आप देख सकते हो पैरामीटर्स ऑप्शन देता है, खुद से आपको बताता है कि इस मेथड को क्या क्या चाहिए। सो सबसे पहले हम ये वाला जो नीचे से बॉटम से जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, पैकेज कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट हम देंगे इसे। और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट देने के बाद हमें एक इसे क्लास बतानी है, क्लास कौन सी बतानी है, जिस भी स्क्रीन को आप ओपन करना चाहते हैं, जिस भी क्लास को, मतलब जिस भी एक्टिविटी को ओपन करना चाहते हैं आप, उसका यहाँ पर नाम बताएंगे कौन सी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जब इस बटन पर, तो कौन सी स्क्रीन ओपन हो उसका नाम बताइए। तो हमारे पास है इस स्क्रीन का नाम सेकेंड एक्टिविटी क्लास डॉट जावा, भले आपने कॉटलिन में लिखा है पर यहाँ पे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्लास डॉट जावा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको स्टार्ट एक्टिविटी करना है और ये जो इंटेंट आपने बनाया है इसको पास करना है। सो ये कोड तो हमने लिख लिया है, हाँ बस इतना छोटा सा आपको कोड लिखना होता है अगर आपको एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाना है, बहुत छोटी सी बात है। ये आपका BTN इंटेंट है, किसी भी चीज को यहाँ BTN इंटेंट की जगह पे हो सकता है कि आप इमेज को क्लिक करके आ रहे हो जैसे यूट्यूब में करते हैं, या फिर कोई टेक्स्ट व्यू को क्लिक करके एक नई स्क्रीन पे जा रहे हो, है ना। तो ये किसी भी चीज को आप क्लिक करके, ये तो लाइन ऑफ कोड जो है
ये आपको लिखना होता है, इंटेंट बनाना होता है आपको और उसे स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट एक्टिविटी, और इस मेथड के अंदर हमने ये इंटेंट पास करना होता है। और ये जो इंटेंट इनबिल्ट मेथड है, यहाँ पर आपको दो पैरामीटर पास करने हैं। पहला है कॉन्टेक्स्ट देना है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद नेम ऑफ द क्लास जो कि आपको खोलना है, नेम ऑफ द स्क्रीन जो कि आपको खोलना है। अब इसे आपको जल्दी से रन करते हैं और देखते हैं ये चल रही है या नहीं, ठीक है। और सेकेंड एक्टिविटी में हमने कुछ नहीं किया है, ये बेसिकली नॉर्मल साइज स्क्रीन है, ये हमारी मेन एक्टिविटी है। चीजें तो मुझे सही लग रही है, देखते हैं क्या होता है। मेन एक्टिविटी डॉट केटी, यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, आप हम देख पाएंगे कि लास्ट प्रोजेक्ट है ये, रिफ्रेश हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, स्क्रोल व्यू समझा था लास्ट वाले हमने प्रोजेक्ट में, ये बटन आ गया, क्लिक भी करते हैं और इसको क्लिक करते ही आई एम स्क्रीन टू, एक दूसरा स्क्रीन ओपन हो गया, मतलब कि हमारा कोड एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो आज के लेक्चर में आपने सीखा कि किस तरीके से एक्सप्लिसिट इंटेंट काम करता है। आपको अपने ही ऐप में एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाना है तो आप वहां पर यूज करेंगे एक्सप्लिसिट इंटेंट का कॉन्सेप्ट। अब ऐसा भी होता है कि आप एक बटन को क्लिक करें और एक मान लो कि क्रोम खुल रहा है, उसपे एक वेबसाइट आपने लिंक दे रखा है, वो एक नए ऐप में जाके खुल रहा है, या फिर एक कॉल बटन पे क्लिक किया और एक दूसरा एप्लीकेशन जो आपका ऐप में फोन ऐप होता है वो खुल रहा है, या फिर लोकेट मी ऐसा कुछ बटन है वहां पे आपको क्या खुलेगा, मैप्स वगैरह वाला एप्लीकेशन खुलेगा, वो सारी चीजें कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बट उस नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक और आपको एक लेक्चर मैं दूंगी जिसमें आप सारे प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं आप सीख पाएंगे किस तरीके से आप गिटहब पे उसे डाल सकते हैं। आपको डालना है, अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी है, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।